धनबाद जिले के महोदा में रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य संतोष महतो अपनी सदस्यता रहते हुए भाड्डी ओपी अंतर्गत परजोरिया गांव के एक रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी से नौकरी के नाम पर जीवन भर की कमाई की ठगी कर लिया। करीब 26 से 27 लाख रुपए पूर्व जिला परिषद सदस्य तथा उसके साथी रुद्र प्रताप गयाली ने मिलकर यह ठगी की। बेटे की नौकरी लगाने के लिए रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी अपनी जीवन भर गाड़ी कमाई इन दोनों को दे दिया। यही नहीं, रुपए चले जाने के बाद जिस बेटे की नौकरी वह लगाना चाहता था उसकी अब मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुकी है, जिसका इलाज रांची के एक मानसिक अस्पताल में चल रहा है। करीब 26 से 27 लाख की ठगी बेटे के नौकरी लगाने के नाम पर की गई है। यही नहीं, बतौर फर्जी तौर पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया। पीड़ित पिता पुलिस से न्याय की गुहार लगाकर थक चुके पिता ने अंततः न्यायालय की शरण ली। सीपी केस के बाद न्यायालय ने स्थानीय थाना को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, लेकिन ठगों की पुलिस में पैठ देखिए। न्यायालय के आदेश के बाद भी थाना में अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। महोदा के भाड्डी परजोरिया बस्ती के रहने वाले रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी हरिगोपाल राय के बेटे राकेश राय कभी अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसी ठिठोली करते समय बीतता था, लेकिन आज न तो यह किसी के साथ बैठता है और न ही यह कुछ बोलता है। यह युवक अकेले में ही यूं बैठा रहता है। युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जिसका इलाज रांची के एक मानसिक अस्पताल में चल रहा है। राकेश के पिता हरिगोपाल राय का कहना है कि नौकरी नहीं होने की वजह से बेटे को सदमा लगा है। उसे लगता है कि मेरी नौकरी लगाने के लिए पिता ने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई गंवा दी है। सैनिटी वर्कशॉप में ड्यूटी करते थे और हम और रुद्र प्रसाद गया एक ही साथ ड्यूटी करते थे। वो हम सातवां महीना से पैसा लेना शुरू किया, नौकरी आती ज्वाइनिंग लेटर दिखा के अपना बेटा का ज्वाइनिंग लेटर दिखाया और बोला जल्दी हो जाएगा नौकरी। हम सातवां महीना से पैसा लेना शुरू किया। हम अक्टूबर 10वां महीना में रिटायर किए। पैसा देख के उन लोग हमारा पीछा बहुत के पीछा किया और सब पैसा हड़प लिया। रुद्र प्रसाद गयाली और संतोष महतो जिला परिषद है, नेता है संतोष कुमार महतो, जिला परिषद था। पर कितना ठगी किया है? करीब 26 लाख। सर ज्वाइनिंग लेटर भी दिया है। कहाँ का लेटर दिया था? मोहरा बाजार का। पहले पोस्टिंग दिया था टुंडी, तो बोला वहाँ नक्सलाइट एरिया है, वहाँ से काकू मोहदा कर देते हैं, इतना 1 लाख रुपया लगेगा और इधर नहीं लगेगा, उसी करके ठगी किया। क्या चीज़ में नौकरी का बोला था? माड्डा में बाजार सर्वेक्षक पद पर। पैसा उसे मांगे हैं कभी? पैसा मांगते हैं तो देता है, 10-20 हज़ार देता है, और चेक देता है तो चेक बाउंस कर जाता है। चेक तो साथ में रखे हुए हैं। कौन देता है चेक? संतोष महतो देता है, कुछ अपना साथी से देता है, चाहे अपना परिवार के नाम पर देता है, बाउंस कर जाता है। अब क्या चाह रहे हैं? हम पैसा चाह रहे हैं, यदि नौकरी नहीं हुआ तो हमारा पैसा रिटर्न करो। बेटा का भी मानसिक स्थिति खराब हो गया है, नौकरी नहीं होने के चलते, पैसा का अथी निकल जाने के चलते, इन लोग के सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। थाना में केस करने के प्रयास किए थे? थाना में इधर किए, लेकिन इंस्पेक्टर को किए हैं, लेकिन कहाँ, आज 5-6 दिन हो गया लेकिन कुछ नहीं कर रहा। तो फिर कोर्ट से करवाएं? हाँ, कोर्ट से तो पहले किए हैं। हम लोग का थाना में नोटिस आया, नोटिस नहीं भेजा आज तक। हाँ, तो कल SP तक गए, हाँ लोकल थाना मिला ले, नेता है ना रांची से, डेविड हॉस्पिटल रांची काके। तो नौकरी नहीं हुआ इसी कारण से? हाँ, नौकरी नहीं हुआ इसी कारण से, मानसिक बीमार हो गया। हाँ, मानसिक बीमार हो गया। घर पेंशन थोड़ा मिलता है और खेती बाड़ी करते हैं, हल जोतते हैं, क्या करेंगे। अपने मतलब BCCL में आप थे ना? हाँ, हम BCCL में थे, रिटायर कर गए हैं 31 अक्टूबर 2018 में। एक पैसा सब खींच लिया, पैसा ताक लगा, सातवां महीना से लेना शुरू किया। जानता हम रुद्र गयाली था ना, तो वो जानता है कि तो अक्टूबर में बैठेगा, तो वो हमको माने उसका दलाल है, संतोष महतो का दलाल है रुद्र गयाली।